तैयारियां बहुत जबरदस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश में भी और प्रदेश में भी सबसे पहले अपने उम्मीदवार वो डिक्लेयर किए। उससे पहले 10 वर्ष का काम है, एक महान विजन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, एक देश को अखंड और देश को मजबूत करने वाली विचारधारा है, अच्छी नीतियां हैं और लोगों का आशीर्वाद है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। आज से हमारी रैलियां शुरू हो रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आज रैलियों आज से शुरुआत करेंगे। कल मनोहर लाल जी के प्रोग्राम है, कल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। हर गांव में हर घर पर झंडा लगे, ये लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी हुई है। और जहाँ जिसके पास समर्पित कार्यकर्ताओं की अनुशासित फौज हो, एक बहुत बड़ा संगठन हो, दुनिया का सबसे विशाल संगठन हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का कोई वो है। और लगातार आगे भी इसी तरीके से और जो हमारे कार्यक्रम होंगे, रैलियाँ, 7 तारीख को टोहाना की रैली है, 10 तारीख को कालावाली की रैली है और 11 तारीख को फतेहाबाद की रैली है। और हमने जो भी वर्कर मीटिंग है वो कर ली है, जनसंपर्क हमारे जारी है। तो मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक वोट के मार्जिन से हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे और सिरसा भी उसमें टॉप सीट्स में होगी। तो पार्टी 10 साल में अपना संगठन नहीं बना पाई, तो आप उसकी दिशा समझ सकते हैं कहाँ है, जहाँ एक मंच पर बैठ ना सकते हो, लोगों के बीच में जाकर के उनकी भलाई ना कर सकते हो। वो तो जो है केवल और केवल षड्यंत्र करके सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि षड्यंत्रों से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। देखा आज उनके गठबंधन को भी देख रहे हैं, ये तो जेलों से बचने के लिए कि जेल में ना जाना पड़े, उसके लिए इस तरीके का जो है गठबंधन उन्होंने बनाया है। क्योंकि बुकिंग चल रही है जेल की, कोई 5 नंबर में, कोई 7 नंबर में, दो कोई 2 नंबर है तिहाड़ में, कोई 5 नंबर में है। और मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और मुहिम हम तेज करेंगे 2024 के बाद। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ, मैं तो इसीलिए भारत निर्माण के लिए, विकसित भारत के लिए, 140 करोड़ लोगों का भला हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में आया। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए भ्रष्टाचार इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाए तो सारी समस्याओं का निदान हो जाए। किसान 35 साल के बाद आ रही है, उनका सिरसा वाले स्वागत करेंगे, क्योंकि यहीं से छोड़ कर गई गई थी। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेसों में इतनी हिम्मत है कि वो चुनावी मैदान में आए। बड़े बड़े जितने भी सो कॉल्ड लीडर है वो तो खुद ही बचते फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं तू लड़ तू लड़, नए लोगों कह रहे हैं तू लड़ तू लड़, वैसे कहते हैं मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा, मुझे ये चाहिए। अब जब हार दिख रही है, जमानते जब होती दिख रही है, तो मैं समझता हूँ कि मैदान छोड़ करके सारे ही लोगों ने मना कर दिया, जो भी इनके कुर्सी के काटे हुए लोग हैं उन्होंने सबने पहले ही मना कर चुके हैं।